नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एक और सब्सक्राइबर के सवाल के बारे में, जहां से हमसे पूछा गया है कि क्या हमें 400 वोट का एक पैनल खरीदना चाहिए या 200 वोट के दो पैनल खरीदने चाहिए। मार्केट में वैसे तो 420 440 वोट तक के पैनल भी देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में आपको बड़ा एक पैनल खरीदना चाहिए या दो छोटे छोटे पैनल खरीदने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर के अंदर कोई भी सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो सोलर पैनल का चुनाव सबसे आखिर में करें, क्योंकि सोलर पैनल टोटली डिपेंड होता है आपके इन्वर्टर या सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर। तो ऐसे में अगर कोई गलती से पहले पैनल खरीद लेता है और बाद में इन्वर्टर या कंट्रोलर खरीदने की सोचता है तो शायद उसका सोलर सिस्टम का जो बजट है वो गड़बड़ा सकता है। वो हम बात करेंगे कैसे। तो सपोज कीजिए कि आपने एक बैटरी का सिस्टम लगाना है, आपका बजट इतना अच्छा नहीं है कि आप दो बैटरी का सेटअप लगा पाएं, तो मोस्टली जितने भी इन्वर्टर हैं मार्केट के अंदर जो PWM टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं, उनमें आपको 25 वोल्ट तक की ही VOC रेंज देखने को मिलती है। कुछ कुछ इन्वर्टर तो ऐसे हैं जिसमें आपको 22-23 वोल्ट की भी VOC रेंज देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर आपने गलती से पहले 400 वोल्ट का पैनल खरीद लिया है तो अब आप उसे PWM टेक्नोलॉजी के सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पर कभी भी नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में आपको फिर अपना इन्वर्टर बदलना पड़ेगा या आपको अपना पैनल बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए पैनल को सबसे लास्ट में खरीदें। अब आते हैं हमारे सवाल के ऊपर कि आपको एक 400 वोट का पैनल खरीदना चाहिए या दो 200 वोट के पैनल खरीदने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको अपने सिस्टम की तरफ देखना है कि आपके सिस्टम की VOC कितनी है। आपके पैनल की VOC आपके इन्वर्टर की VOC से कम होनी चाहिए, तभी आप उन पैनल का उपयोग प्रॉपर तरीके से अपने इन्वर्टर पर कर पाएंगे। तो ऐसे में जो 200 वोल्ट का पैनल है वो आपको 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों में देखने को मिलता है, यानी कि आपको ऐसा पैनल भी मिल जाएगा जिसे आप सिंगल बैटरी PWM के ऊपर यूज कर सकते हैं और डबल बैटरी PWM के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम MPPT की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि MPPT जितने भी इन्वर्टर हैं उनकी VOC काफ़ी हाई होती है, उनके ऊपर आप किसी भी पैनल का उपयोग बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपने PWM टेक्नोलॉजी का सिंगल बैटरी का इन्वर्टर लिया है, देन आप सिर्फ और सिर्फ 200 वोट के दो पैनल का ही उपयोग करें। वहां पर आप 400 वोट के पैनल का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि 400 वोट के पैनल की VOC लगभग 50 वोल्ट के करीब होती है और आपके PWM टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर की VOC 25 वोल्ट के अराउंड ही होगी। लेकिन यहां पर जो 200 वोट के दो पैनल हैं वो 400 वोट के एक पैनल के मुकाबले आपको कॉस्टली पड़ने वाले हैं। जी हाँ, जितना छोटा पैनल आप खरीदते हैं उतना ही महंगा आपको वो पड़ता है। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट में जाकर भी पता करेंगे तो आपको जो डिफरेंट है वो क्लियरली पता चल जाएगा। अगर आपको 400 वोट का पैनल लगभग 30 से 32 रुपये प्रति वोट मिल रहा है तो वहीं पर 200 वोट का पैनल लगभग 35 रुपये प्रति वोट में भी मिल सकता है और ऑनलाइन ये आपको 40 रुपये प्रति वोट के हिसाब से भी मिल सकता है। तो जहां तक संभव हो लोकल मार्केट से ही खरीदने की कोशिश करें जिससे कि आपके जो 200 वोट के पैनल हो सस्ते पड़े। तो अब बात करते हैं कि किसको ये 400 वोट का पैनल खरीदना ज़्यादा फायदेमंद होगा। सबसे पहले उसके लिए फायदेमंद है जिसके पास में ऐसा इन्वर्टर है जिसकी VOC रेंज 50 वोल्ट या उससे ऊपर है, जैसे कि NXG 1850 जो मॉडल आया है उसकी VOC रेंज 50 वोल्ट से अधिक है। तो जिसके पास NXG 1850 मॉडल है वो ऐसे पैनल का उपयोग बड़े ही आराम से कर सकता है। दूसरा, MPPT जितने भी कंट्रोलर या इन्वर्टर वाले बंदे हैं जिसके पास में सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है, उनके इन्वर्टर की VOC 50 वोल्ट से अधिक है, तो वो भी इसका उपयोग बड़े ही आराम से कर सकते हैं। ऐसे में उनको ये फायदा हो जाता है कि दो पैनल की जगह उन्हें एक ही खरीदना पड़ा, यानी कि जगह भी कम लगेगी, उनको सस्ता भी पड़ेगा और अगर बड़ा सिस्टम लगाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी पैसे की बचत हो जाती है क्योंकि जितना बड़ा सिस्टम होता है उसके अंदर ज़्यादा पैनल का उपयोग होता है। ऐसे में आप कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पैनल लगाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आपको बड़ा ही पैनल लेना पड़ता है जो कि आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपकी जगह की भी बचत करेगा। यहाँ पर हमने कुछ वीडियो में आपको पहले बताया था कि अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन का 10 kW का सिस्टम लगाते हैं तो वहाँ पर आपको 32 पैनल लगाने पड़ते हैं और वहीं अगर मोनोपर्क की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर 28 पैनल में आपका काम चल जाता है। लेकिन अभी ये जो 28 पैनल वाला आंकड़ा है वो और भी कम हो जाता है क्योंकि 10 kW के सिस्टम के अंदर अब आप 500 वोट के पैनल का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में आपको सिर्फ 20 पैनल ही लगाने की आवश्यकता होगी और ये पैनल आपको मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिलेंगे और बाईफेसियल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि 200 वोट के पैनल किसे खरीदने चाहिए और 400 वोट के पैनल किसे खरीदने चाहिए, किसे ज़्यादा खरीदना फायदेमंद होता है। तो अगर आपका भी ऐसे ही कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके सवाल का जवाब भी कमेंट में या वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। और आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।